हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजेल एकेडमीज न्यू सीरीज करियर नाउ। टुडे इन दिस वीडियो वी शैल टॉक अबाउट हाउ टू क्रैक सीटेट 2023। तो जैसे कि हम सबको पता है कि बहुत ही जल्द शायद 20 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, सीटेट एग्ज़ाम। तो इस चीज़ के लिए हम कैसे बेहतर तैयारी कर सकते हैं कम समय के अंदर, इस विषय पर हम बात करेंगे। अगर इस वीडियो के हाइलाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिक चीज़ें समझाऊंगा कि कितने कि कम मेहनत में आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एक मिनिमम स्कोर जो आप इजीली कर सकते हैं, और आपको क्या अप्रोच होना चाहिए लास्ट ये जो कुछ दिन बाकी रह गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि अगर आप सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर, अगर एक ही ऑप्शन अगर आप चूज करके आते हैं तो आपको कितना स्कोर मिल जाएगा? शायद आप सोच में पड़ गए होंगे। देखिए, अगर आप सारे ऑप्शन, अगर टोटल आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा, तो 150 क्वेश्चन होते हैं, और अगर आप सारे ऑप्शंस का सिर्फ एक ही ऑप्शन अगर आप चूज करें, जैसे कि ए बी सी डी होता है चार, आप सिर्फ अगर ए या फिर सिर्फ बी सी या डी ऐसा कोई भी एक चूज कर लेते हैं वो सारे ए, तो आपका कितना स्कोर हो जाएगा? लगभग 35, उससे थोड़ा एक या दो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एवरेज अगर हम मानकर चले तो 35 आपका हो जाएगा। ये कैसे होता है पहले देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपका पेपर है इंग्लिश, जो कि कंपल्सरी सबको होता ही है, तो इंग्लिश है, इसमें फुल मार्क्स है 30, ठीक है, पास मार्क 18। ये मैं जनरल के लिए बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों का शायद कम भी हो सकता है, तो उस विषय पर मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन 18 में मानकर चलता हूँ। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 आप देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ए है। अगर ए है इसका मतलब कितना हो जाएगा उसका? लगभग 6, 7, 7 या 8 भी हो सकता है, कभी कभी इतना हो सकता है। तो अगर 18 अगर उसे 18 वो उसका पास मार्क्स है और 7 मार्क लगभग अगर उसे मिल रहा है, तो लगभग उसका कितना हो गया, कितना रह गया? 11। यू गॉट माई पॉइंट? अगर आपको 7 मार्क्स इजीली मिल रहे हैं तो आपका 11 मार्क्स रह जा रहा है आप इजीली, और उसमें आपको मेहनत करना है, 7 मार्क्स में आपको मेहनत नहीं करना है। मैं बेसिकली आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद अगर बात करूँ कि कैसे करना चाहिए इस अप्रोच को, तो ये तो 7 मार्क्स हो गया, उससे ऊपर हमें किस स्ट्रेटेजी से मेहनत करनी चाहिए? तो देखिए, मैंने एक PPT के जरिए जो बनाया है अपने PPT में, स्टार्ट विद इन ईजी पेपर। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इंग्लिश, बंगाली, असमिस, हिंदी, जो भी हो, सबका अपना अपना विषय होता है, तो जो भी विषय है सबसे आपको शुरू से सबसे ईजी पेपर को उठाना है और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और उसके बाद हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट की ओर पढ़ेंगे। सबसे पहले ईजी पेपर हम क्या करते हैं, सबसे जो मुश्किल पेपर होता है उसे हम पहले कर सबसे पहले उसी को हम लोग तैयारी करने के शुरू करने में लग जाते हैं, लेकिन ये एक गलत अप्रोच होता है, क्योंकि क्या होता है जब हम कोई भी कठिन पेपर अगर हम जब चूज कर लेते हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा उसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है, और उसके बाद जो इजी पेपर जो था जिसमें हम एक अच्छा स्कोर कर पाते अगर हम उसमें मेहनत करते, उसमें मेहनत करने का हमारे पास वक्त ही नहीं बचता, तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है एग्जाम से पहले। तो इस विषय पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। उसके बाद जैसे कि 3 पेपर हो गए, कम से कम हमें कोशिश करना चाहिए कि 3 पेपर उठाएं और उसी में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आएं, क्योंकि देखिए 5 पेपर में सब पेपर में आप अच्छा नंबर ले आएंगे, ये कुछ लोगों के लिए शायद मुमकिन होगा लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं भी होता है, तो आपको जो इजी पेपर है उसमें आप ज़्यादा स्कोर कर लें, ये एक अच्छा अप्रोच है। और जो मैंने आपको कहा उस चीज़ को मैं बेहतर से समझाता हूँ, 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है, 90 मार्क्स पास है, शायद OBC ST के लिए थोड़ा कम हो सकता है, इजी टू स्कोर कितना है? लगभग 35, ठीक है। अब हमारा रिक्वायर्ड मार्क्स कितना रह गया? अब देखिए 35 मार्क का अगर क्वेश्चन आता है तो लगभग आप 40 भी मान सकते हैं, 40-45 तक आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ तो आपका कॉमन आए, बिल्कुल आप तैयारी करके भी ना जाए तब भी 5-10 तो आ ही जाएगा, तो यहाँ से 35 और मान लीजिए 5 या 10, तो आप
लगभग आपका 50 मार्क्स रह जाता है, 45 से 50 मार्क्स, उसमें मेहनत करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने नीचे थोड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, 35 आपका नंबर इजीली मिल गया, 10 मार्क्स आपका हो गया जो कि आप खुद से भी कुछ कर लेंगे, 45 नाउ रिक्वायर 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 45, आपको 40 मार्क्स के ऊपर मेहनत करना है, ठीक है। और डूज एंड डोंट्स, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को कि क्या करना है क्या नहीं है, लोग बहुत ही एक अलग दिशा की ओर कुछ लोग भटक जाते हैं सही गाइडेंस ना होने के कारण। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर कहूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले स्टडी स्मार्ट, एक स्मार्ट अप्रोच लेनी चाहिए। स्मार्ट अप्रोच क्या होती है, तो सबसे पहले हमें अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ना है, ये होती है स्मार्ट एक अप्रोच। आपको सिलेबस देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ना कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल देखने हैं और उसकी वीडियोस देख देख कर आप परेशान होते रहें, ऐसा नहीं। प्रैक्टिस रेगुलरली, आप थोड़ा ही देखें जितना आपसे हो सकता है, लेकिन उस चीज़ को रेगुलरली आप करें ये। और तीसरा है अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। देखिए, असम टेट या जो भी स्टेट टेट होते हैं उसमें ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें जो सीटेट होता है इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न आते हैं, जैसे कि एज ए टीचर आपको क्या करनी चाहिए, एज ए स्टूडेंट वो कैसे बिहेव करते होंगे, तो इस तरीके का जो विषय है इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, इसमें रट्टा मारने का कोई जगह नहीं है इसमें, तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट में सबसे ज़्यादा देखनी चाहिए। और उसके बाद ये स्टे हेल्दी एंड पॉजिटिव, ये तो भाई हर चीज़ में लागू होता है, क्योंकि आप हेल्दी और पॉजिटिव अगर नहीं रहेंगे, अगर आप अपने आपके हेल्थ को अगर आप सही नहीं रखेंगे और अपने पॉजिटिव माइंडसेट भी आप नहीं रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप एग्जाम को अच्छे से नहीं दे पाएंगे। सो यू 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 मस्ट बी पॉजिटिव एंड हेल्दी एज वेल। उसके बाद फॉलो इंस्ट्रक्शन, जो भी हमारे सीटेट का जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है हम उसमें विजिट करें, और उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसमें हम फॉलो करें, ना कि कोई भी यूट्यूबर ने कुछ भी कह दिया और उसको हम आग बन करके हम उसे विश्वास कर लें, तो ऐसा ये एक सही अप्रोच नहीं है। उसके बाद हम डोंट्स, इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, क्या नहीं करना चाहिए इसमें आता है अवॉइड टेकिंग टू मच ट्यूशन। कुछ कुछ लोग होते हैं जो सभी विषयों का ट्यूशन लेना शुरू कर दे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम सेल्फ स्टडी करके भी हम दे सकते हैं, किसी के कुछ बुक्स से हम फॉलो कर ले तो कम वक्त में ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन एक टीचर जब पढ़ाता है तो बहुत ही फाउंडेशन से आपको शुरू करता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जिस विषय पे आपका कम पकड़ है, आप सिर्फ उसी विषय को अगर किसी की अगर मदद लें, अगर गाइडेंस लें तो बेहतर है। उसके अलावा अवॉइड वॉचिंग टू मच यूट्यूब वीडियोज़। देखिए, इस तरह के मैराथन और भी बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब में चलती रहती हैं, सीटेट के नाम पर, तैयारी के नाम पर एंटरटेनमेंट एक चल रही है फिलहाल, कुछ जगह आप इंटरव्यू देखेंगे, सीटेट क्वालिफायर सबसे ज़्यादा नंबर ले रहे हैं उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये सब बेकार की चीज़ें। आपको अगर पास करना ही है तो ट्रेडिशनल तरीका ही इस्तेमाल करना होगा, दूसरा कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, ठीक है, तो ये आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद अवॉइड बाइंग मेनी बुक्स या फिर सोर्सेस। कुछ लोग क्या करते हैं कि जितने सारे लोग हैं सबके पास से कुछ ना कुछ मटेरियल, कोई PDF बुक्स ले रहे हैं, वीडियोज बना रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इससे कुछ आपका नहीं होता। अगर आपको YouTube वीडियोस देखना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक YouTube चैनल एरोटेक में सोनिया मैम, जिसमें वो डूज एंड डोंट्स पढ़ाती हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। सोनिया मैम मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा वो इस हिसाब से पढ़ाते हैं, ताकि एक वीडियो देखने के बाद आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, आप स्कोर कर पाएंगे। बहुत सारे क्या लोग करेंगे कि 100 प्रश्न ले लिए, जिसका सही जवाब देकर बता रहे हैं, जिस आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता यार, आप सही जवाब उस पर चूज करके भी होगा क्या, कोई स्ट्रक्चर्ड तरीका नहीं होता है, फिर क्यों ऐसा करते हैं कि ताकि आप उनका कोर्स परचेस कर लें। तो इन सब चीज़ों से बचना है, और ज़्यादा मटेरियल नहीं लेकिन कम थोड़ा बुक्स तो चाहिए ही। मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक एरिहेंट का बुक आता है सीटेट का, उसे आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें एक अच्छा लेवल का रहता है, आप अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ लोग ये नहीं करना चाहिए, इग्नोरिंग मॉक टेस्ट, आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मॉक टेस्ट से क्या होगा, लेकिन देखिए मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें उसके वो उसमें होता क्या है कि आप अपने लेवल को समझ सकते हैं, और जब आप लेवल समझते हैं तो जाहिर सी बात है आप बहुत पहले से अगर देखा जाते हैं तो आप काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आप हमेशा 90 मार्क्स से वो भी अगर ले आ रहे हैं तो जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी आप अच्छा ही स्कोर करेंगे। तो
तो ये एक बहुत अच्छी एक अप्रोच होती है मॉक टेस्ट की किसी भी एग्जाम में। और उसके अलावा उसके साथ साथ हेल्थ भी, तो हेल्थ को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हेल्थ ही नहीं रहेगा तो फिर आप जॉब से क्या करेंगे। एंड पैनिक, जैसे कि हम सबको पता है कि बहुत ही जल्द एग्जाम होने वाला है सीटेट, तो कि कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा यूट्यूब में वीडियोस कंज्यूम करने लगते हैं और पैनिक होते हैं कि अब वक्त नहीं है, अब क्या करें क्या नहीं, कभी इधर से नोट्स ले लें, कभी उधर से किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ आ गया उस चीज़ को रिप्लाई दे रहे हैं, क्विजेस वगैरह, बहुत जगह वो एंगेज हो गए हैं। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं, पैनिक हो गए हैं। तो देखिए, पैनिक होने से नहीं होगा। अगर आपको, मैं आपको नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव चीज़ें मैंने पहले ही कहा था कि आपको पॉजिटिव रहना है, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको एक्सेप्ट करना ही होगा कि आपको देखना होगा कि आपका सिलेबस कितना बड़ा है और आपने कवर कितना परसेंट किया है। इस चीज़ को आप समझ लें और नेक्स्ट, क्योंकि ये सीटेट तो हमेशा होता ही रहता है 6 महीने बाद बाद, तो आप इस चीज़ को समझ कर आप कुछ तो बेहतर कर ही सकते हैं। जैसे कि आप, मैंने स्मार्ट अप्रोच, एक मैंने कहा आपको, एक यूट्यूब चैनल बताया मैंने सोनिया मैम जी का, उनका नहीं है एक्चुअली, एडुटेप का है, उसमें वो पढ़ाती थी, बहुत पुराने वीडियोज हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं और देखिएगा, इसे फॉलो करने के बाद आप में बहुत ही कम समय में एक अच्छा स्कोर करने की एबिलिटी आप में डेवलप हो जाएगी। क्योंकि वो क्या करती हैं, क्योंकि आपको सबको पता है कि पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं सीटेट में बहुत ज्यादा, आपको एक ऐसे कुछ वर्ड्स बता देंगे, कीवर्ड, जिसे जिन्हें देखकर आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा सही क्वेश्चन है, कौन सा रॉन्ग आंसर है, सही आंसर है कौन सा रॉन्ग आंसर है, तो ये आपको हेल्प करता है। तो वो अगर आप अप्रोच करें तो ज्यादा है, आप बुक्स वगैरह कम पढ़ें तो अच्छा है, और जिनका प्रिपरेशन पहले से ही अच्छा है वो तो ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं अच्छा ही है, लेकिन जो लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है आप वही कीजिए, आप सोनिया मैम जी का यूट्यूब में वीडियोस देखिए, कुछ सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लीजिए बस। अगर नहीं होता कोई बात नहीं, एग्जाम सामने आने वाला है, आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। या फिर आप एक और चीज भी कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट पेपर्स तो बहुत सारे हैं आप यूपी में, एलपी लेवल में, आप सोचिए कि आप 2-3 विषयों पर अच्छा स्कोर करेंगे, सीटीपी हो गया, फिर लैंग्वेज के कुछ पेपर, और उसके बाद आप वैसे ही आप धीरे धीरे डेवलप कीजिए, तो ये आपके लिए ये भी एक स्मार्ट अप्रोच हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आ गया होगा, मेरा बोलने का क्या मतलब है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग। एंड अब मैं आपको एक और चीज़ बोल दूं कि अगर आपको कोई भी अगर सवाल बनता है तो यू कैन कमेंट, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, करियर बनाओ।